हाय फ्रेंड्स, भारत रसोई चैनल में अपने सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज मैं अपने दर्शकों के लिए बिना दही का कढ़ी बनाने जा रही हूं फ्रेंड्स, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूं। मैं किस तरह से बनाने जा रही हूं फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच देखिएगा। और कढ़ी बनाने के लिए फ्रेंड्स, ये बेसन ले लिए हैं 200 ग्राम, और इधर दो बड़े साइज का प्याज को बारीक काट लिए हैं, और दो बड़े साइज का टमाटर को बारीक बारीक काट लिए हैं फ्रेंड्स, और ये दो तीन हरी मिर्च है, इसे भी चीरा लगा दिए हैं पीसे, और ये कड़ी पत्ता है, मेन कड़ी पत्ता है फ्रेंड्स। कड़ी पत्ता कड़ी बनाने में ज़रूर यूज करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कड़ी बनाने के लिए फ्रेंड्स, बेसन में आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, फिर दो चुटकी हींग डालेंगे फ्रेंड्स, और एक चम्मच काली मिर्च पाउडर को डाल देंगे, और एक चम्मच फ्रेंड्स ये जीरा और धनिया का भुना हुआ पाउडर है, इसे भी डाल देंगे, और सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। कढ़ी के लिए सबसे पहले हम लोग को बड़ी बनाना है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसन को अच्छे तरीके से फेंट ले रहे हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर फ्रेंड्स बेसन का अच्छे तरीके से बैटर को तैयार करेंगे। इस तरह से फेंट लेंगे अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बैटर को अच्छे तरीके से फेंट लिए हैं बेसन वाला, और इस बेसन अच्छे तरीके से फिटाया है कि नहीं फ्रेंड्स। तो एक कटोरा में पानी लेकर आप इसमें थोड़ा सा बेसन डालकर चेक करें कि आपका बेसन अच्छे तरीके से फिटाया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो बेसन है ये पानी से उबल गया है, तो आपका बेसन अच्छे तरीके से फिटा गया। अब चलिए हम लोग पहले बेसन से पकौड़ी बना ले रहे हैं। तो कढ़ाई में फ्रेंड्स सरसों का तेल दे दिए हैं गर्म होने के लिए, और मेरा तेल गर्म हो चुका है। चलिए अब बड़ी को बना ले रहे हैं। इस तरह से अगर आपको बड़ा थोड़ा बड़ी बनाना है तो आप बड़ा बड़ा बैटर को डालें, तो बड़ी अच्छे तरीके से बनेगा फ्रेंड्स, बड़ा बनेगा। आप मीडियम साइज का बनाना चाहते हैं तो मीडियम साइज का बनाएं, मैं मीडियम साइज के बड़ी को बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा एक तरफ जो बड़ी है अच्छे तरीके से तला चुका है, इस तरह से तलना है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा एक बैच जो है बड़ी तला चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल कर रख ले रहे हैं। इसी तरह से मैं सारे बड़ी को पहले तल ले रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं सारे बड़ी को तल चुकी हूँ। अब बचे हुए तेल में फ्रेंड्स, ये मेरा एक छोटी चम्मच जीरा है और थोड़ी सी हींग है फ्रेंड्स, एक चुटकी लगभग हींग होगा, इसे डाल देंगे तेल में। जीरा पकने के बाद फ्रेंड्स ये कड़ी पत्ता डाल देंगे, और ये जो चार मिर्ची को चीरा लगाए थे फ्रेंड्स, ये मिर्ची भी डाल देंगे, और अच्छे तरीके से ब्राउन होने तक पका लेंगे। मेरा कड़ी पत्ता और मिर्ची अच्छे तरीके से ब्राउन होने तक पक गया है फ्रेंड्स। अब इसमें ये जो बारीक कटा हुआ दो प्याज था, प्याज को भी डाल देंगे, और प्याज को भी ब्राउन होने तक पकाएंगे फ्रेंड्स। तो प्याज को भी पका ले रहे हैं अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्याज को भी ब्राउन होने तक पका लिए हैं। अब इसमें ये जो दो टमाटर था इसे बारीक काट लिए हैं, अब टमाटर को भी डाल देंगे प्याज के साथ, और टमाटर को भी सॉफ्ट होने तक पकाएंगे फ्रेंड्स। जब तक मेरा टमाटर सॉफ्ट हो रहा है फ्रेंड्स, तब तक हम लोग इधर का काम कर ले रहे हैं। ये जो बड़ी बनाए थे तो बेसन काफ़ी सारा बचा हुआ है, इसी में मैं पानी डाल दूंगी और पतला सा घोल बनाऊंगी फ्रेंड्स बेसन का।
तो फ्रेंड्स इसमें मैं 2 गिलास पानी डाल चुकी हूँ। अब चारों तरफ से अच्छे तरीके से ये सब बेसन को लेके फ्रेंड्स एकदम पतला सा घोल बनाना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बेसन का जो बैटर बचा हुआ था उसे पतला सा घोल बना चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा टमाटर भी सॉफ्ट होने तक पक गया। इसे कलछी से थोड़ा सा चूर दी हूँ फ्रेंड्स। अब इसमें हल्दी डाल देंगे आधी छोटी चम्मच, काले मिर्च पाउडर डाल देंगे आधी छोटी चम्मच फ्रेंड्स, गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। सभी मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिए। अब जो ये बेसन वाला घोल था फ्रेंड्स इसे डाल देंगे मसाले में। तो आप इस कढ़ी में फ्रेंड्स स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब नमक को भी अच्छे तरीके से कढ़ी में मिक्स करके फ्रेंड्स कढ़ी में बॉयल आने देंगे। तो चलिए हम लोग कढ़ी में सबसे पहले बॉयल आने दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा कढ़ी में बॉयल आ चुका है। अब जो ये बड़ी बनाकर रखे थे फ्रेंड्स सारे बड़ी को डाल देंगे कढ़ी में और अच्छे तरीके से 1 मिनट तक बड़ी को सॉफ्ट होने के लिए कढ़ी में डाल दिए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए 1 मिनट तक इसे अच्छे तरीके से बड़ी को सॉफ्ट होने दे रहे हैं कढ़ी में। तो फ्रेंड्स बड़ी को भी 1 मिनट तक ग्रेवी में अच्छे तरीके से कढ़ी में पकने दिए थे और मेरा बड़ी भी देखिए कितना फूला फूला एकदम रसगुल्ला की तरह हो गया है फ्रेंड्स। और चलिए मैं एक बॉल में निकाल ले रही हूँ। मेरा कढ़ी बन गया है, लिन को कर दे रहे बंद। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं फ्रेंड्स दही वाला कढ़ी खाना नहीं चाहते हैं, तो आप इस तरह से सिंपल कढ़ी बना सकते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स खाने में। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स को बाय बाय, नमस्कार।